आज हम अंडे बनाने वाले हैं, तो कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ था। सबसे पहले हमने अंडे लिए थे, उबाले हुए, उसमें छेद किया और इस तरह तेल डाल कर तल लिया है। और जब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और आप देख सकते हैं, आप चाहे तो और भी गोल्डन कर सकते हैं। अब मैंने प्याज और लहसुन और मिर्ची पीस के रखी हुई थी, तेल गर्म ही था, उसमें डाल लिया और उसको मिला रही हूँ। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद तो मैंने आलू भी फ्राई करके रखे हुए थे तीन, उसको आधा आधा कट करके मैंने डाल लिया। फिर ये कुछ मसाले थे जो मुझे अपनी रेसिपी में डालनी थी, तो मैं वही ले रही हूँ। कुछ हरी मटर डाल लीजिए, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। और जो मसाले रखे थे हमने ना, वो भी हमने पीस के इस पर डाल देने हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये बहुत आप उड़ रही थी, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फिर मैंने धनिया पत्ती और दो टमाटर लेके उसका भी पेस्ट बनाया, उसमें डाल लिया है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है खाने में, और अच्छा था। और जो फिर अंडे हमने तल के रखे थे, वो भी अभी इसी में मिला देंगे अच्छी तरह से, ताकि जो मसालों का रस है इसके अंदर तक चला जाए। अब आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से पका है। फिर उसमें हमने 1 लीटर पानी डाल लिया और फिर ढक्कन लगा दिया, और पकने के लिए 10 से 15 मिनट हमने छोड़ दिया था। अरे पक के कुछ ऐसा हो गया, आप देख सकते हैं पास से कितना प्यारा लग रहा था, लेकिन पास से नहीं देख सकते। फिर गर्मा गर्म खा लिया गया।